अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मंदिर के पास में सटा हुआ है, अभी भी जाके देखो कुछ चिकन टांग रखे हैं सब जगह। अपन सुबह भी राउंड लगा के आए, आपने सुबह तक भी कोई कार्रवाई नहीं करी उनसे, तो हम कैसे रखे समझ में नहीं आ रहा है। ये गाड़ी से 10 मिनट लगेगा, दुकान हटवा दो, हटा दो, आप स्लाइडर हाउस पर चेंज कर दो, बंद मत करो, चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो। सुनो, ये आवेदन कई बार लग चुके हैं यहाँ पे, कई लोग आगे चले गए, ये बात देखा जाएगा। पूरा समाज को छोड़ कर बैठा समाज, हर समाज, हर व्यक्ति वर्ग विशेष का समाज का व्यक्ति हमारे से जुड़ा हुआ है। हिंदू विषय, हिंदू समाज की बात, ईदगाह रोड पे, ईदगाह रोड पे धार्मिकता का मामला, आस्था का मामला, ईदगाह रोड पे आपको 181 पे 4 बार शिकायत पूरे समाज वाले लोग कर चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाइन से दुकान है उनकी, किराने की दुकान से ज्यादा दुकान है ईदगाह रोड पे, आप अभी दुकानें बंद करवाइए। हमारे नहीं, मंगलवार से क्या कर रहे थे आप? मंगलवार से आवेदन दिए ने कितने दिन हो गए? अभी आवेदन, ये दूसरा मंगलवार है, कुछ भी हुआ उसमें? नगर निगम ने कार्रवाई करी, केवल नाम मात्र चालानी कार्रवाई करी, उन्होंने शटर गिराई और वापस शटर उठा ली नगर निगम के जाते। एक चीज देखना, टेकरी की परिक्रमा मार्ग है, वहाँ पर भी दुकानें हैं। आप इसी तरह बावड़िया में देखो, शिव मंदिर के बिल्कुल पास में भी बावड़िया में 4 दुकानें लग रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईदगाह रोड पे हमने बताया, भैरव महाराज के मंदिर के पास में सटा हुआ है, अभी भी जाके देखो कुछ चिकन टांग रखे हैं सब जगह। हम सुबह भी राउंड लगा के आए, आपने सुबह तक भी कोई कार्रवाई नहीं करी उनसे, तो हम कैसे रखे समझ में नहीं आ रहा है। 10 मिनट लगेगा, चेंज कर दो, बंद मत करो, चेंज कर दो, जगह चेंज कर। सुनो, ये आवेदन कई बार लग चुके हैं यहाँ पे, कई लोग आगे चले गए। ये हमारे एमजी रोड पे राजा बंग चौराहे से नीचे उतरते वहाँ पे मेडल, हमारे श्रद्धालु कावड़ लिए आते हैं उज्जैन रोड पे, हिंदू लोग वहाँ पे टंगड़ी आती है, चिकन के
मटन के अवशेष आते हैं, ये मंगलवार से निवेदन कर चुके हैं। मंगलवार से क्या एक्शन लिया आप लोगों ने, क्या एक्शन? एक दुकान बंद नहीं करी आपने, वो सरदार चिकन सेंटर पर्दा गिरा के काम कर रहा है, आप क्या देख रहे हो? पूरा पूरा देवास में चल रहा है, पूरे देवास में चल रहा है, चौराहे पे चल रहा है, मटन की दुकान हो गई, लाइसेंस से चार लाइसेंस हम देख रहे हैं आपको, ऊपर कार्रवाई कर, चार साल से आज तक कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर ये दुकानें कैसे चल रही है? और मटन चिकन काटो, अभी तक बनाए क्या इनने कांच के केबिन? अब यहाँ पर जन और अन्न दोनों त्याग करके बैठे हैं हम भाई साहब संस्थापक राम राम के, और हम हमारी पूरी टीम हम आपसे निवेदन करते हैं इसको थोड़ा त्वरित कराया जाए, नहीं तो हमारा अनिश्चितकालीन जी। भैया बताए क्या मांग को लेकर बैठे हैं? देवास धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में जो है मटन और मछली की दुकानें जो स्थापित हैं उनको हम दूसरी जगह स्लेटर हाउस बने हुए हैं वहाँ स्थापित करने के लिए मांग को लेकर बैठे हैं, और यह आमरण अनशन है। जब तक यह दुकानें ईदगाह रोड पर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे क्षेत्रीय पार्षद वाली होती ने कुछ दिनों पूर्व नगर निगम को बताया था कि वहाँ पर भैरू महाराज के मंदिर से मोहसिन चिकन सेंटर और जैन महाराज के मंदिर जैन समाज के मंदिर के पास में मंदी चिकन सेंटर, अलीफ चिकन सेंटर और अपना फेमस चिकन सेंटर, ये दुकानें स्थापित हो रही हैं जिन्हें नगर निगम बंद कराने में असमर्थ रहा, चालानी कार्रवाई करी इन पर, फिर तुरंत वो दुकानें संचालित होने लगी। और साथ ही जो अपना टेकरी पर पहुँच मार्ग वहाँ पर श्रद्धालु पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं माता जी के दर्शन करने, वहाँ पर अपने भेड़ और अन्य जानवरों का घुसड़ खाना है, उस घुसड़ खाने को बंद किया जाए ताकि श्रद्धालुओं के आत्मा को ढक न पहुँचे, और धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी से इन घुसड़ खानों को बाहर किया जाए। ईदगाह रोड पर जितनी भी दुकानें हैं वह सब भैरू महाराज के मंदिर के पास और जैन समाज के मंदिर के पास है, उन्हें तुरंत बंद कराई जाए, या आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है जब तक ये दुकानें नहीं हटी है। हम संस्था राम राम के साथ यहीं बैठे हुए हैं। जय श्री राम। आपका नाम? जीतू रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वंदे गोमाता संघ परिवार। भैया थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ। भैया बताइए आज यहाँ पर आप आमरण अनशन पर बैठे हैं किस मुद्दे को और किस मामले को लेकर बैठे? यहाँ पर जो देवास में मटन की और चिकन की जो दुकानें हैं अवैध और जो वेद भी हो तो उन्हें यहाँ से बाहर करा जाए, कहीं अलग नगर निगम उनको जगह दी जाए। यहाँ पर धार्मिक जगह पर जो कई मंदिरों के पास में है तो कहीं किसी धार्मिक स्थल के पास में है तो उन जगह से उनको हटा के उनको कहीं नगर निगम उनको अलग जगह स्थापित करे। एक एक जो मुद्दा था आपने जो उसमें लिखा है जो है टेकरी कर मार्ग पर, हाँ टेकरी पे क्या है कि अवैध दुकानें बहुत सारी है चिकन मटन की, और वो अपनी धार्मिक आस्था का केंद्र भी है, अपनी माता जी है जहाँ पर देश विदेश सबसे श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर उन लोगों के पावन धर्म मतलब जो भी अभी नवरात्रि आने वाली है वहाँ पर बाहर से लोग आएंगे तो उस पर उस चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ता है, धर्म को दूषित करा जाता है। और इस प्रकार से हम वहाँ से टेकरी के आसपास से जितनी भी दुकान है बूचड़ खाने हैं उन सबको यहाँ से हटवा के इन्हें बाहर फिकवाना चाहते हैं। क्या मानते हैं दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं और ये सब दुकानें देखी जाती हैं उनके द्वारा क्या क्या आस्था का वहाँ पर अपना धर्म दूषित ही होता है? आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी उज्जैन में चले जाओ कहीं ना कहीं ये सब जगह पर अलग अलग ही जगह पर है, इनकी सब एक साइड दे रखी है, इनको अलग से स्थापित कर दिया है, ये जगह जगह हर गली हर चौराहे पे थोड़ी है। क्या मानते हैं मछली बाजार जो है शहर के बाहर जा चुका है तो इसके बाद मांस जहाँ मांस की दुकान है वो भी शहर से बाहर? जब मछली की दुकानें आपने सब जगह एक जगह कर दी है मीठा तालाब के यहाँ तो इनको शहर भर में काय के लिए रखा गया है, इनको यहाँ से दूर करना चाहिए। स्लॉटर हाउस बना हुआ है, इनका स्लॉटर हाउस में शिफ्ट किया जाए, स्लॉटर हाउस जो है इनका वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाए, और इससे ज्यादा हमारा कोई वो नहीं है इनसे, हमको तो यही चाहिए, हम इसी मांग के लिए बैठे हैं और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह पवार, संस्था राम राम।